नमस्कार, आज हम एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक रसायन विज्ञान के पाठ 4 रासायनिक बल गतिकी का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में हम चर्चा करेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं किस वेग से संपन्न होती हैं तथा रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। आइए हम हमारी चर्चा प्रारंभ करें। किसी भी रासायनिक प्रक्रिया के लिए रसायनज्ञ केमिस्ट हमेशा ये पता लगाने की कोशिश करते रहते हैं कि उस रासायनिक अभिक्रिया के होने की संभावना है या नहीं। इसका उत्तर हमें ऊष्मागतिकी अध्याय से प्राप्त होता है। ऊष्मागतिकी के अनुसार यदि गिब्स मुक्त ऊर्जा का मान ऋणात्मक है तो वह प्रक्रम स्वतः होता है। इसलिए रासायनिक अभिक्रिया के होने के लिए आवश्यक है कि उसके लिए डेल जी का मान 0 से कम हो। केमिस्ट यह भी पता लगाने की कोशिश करते हैं कि वह अभिक्रिया किस सीमा तक होगी, अर्थात उसके लिए साम्य स्थिरांक की गणना की जाती है। साम्य स्थिरांक हमें बताता है कि उत्पाद कितनी अधिक मात्रा में प्राप्त होते हैं, तथा रसायनज्ञ यह भी पता लगाने की कोशिश करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया किस वेग से संपन्न होगी। रासायनिक अभिक्रिया का वेग कम या अधिक होगा या सामान्य रहेगा, तथा उस अभिक्रिया के वेग को हम किस प्रकार से परिवर्तित कर सकते हैं। ऊष्मा गति की यह बताती है कि कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी या नहीं, जबकि रासायनिक बल गति की यह बताती है कि अभिक्रिया किस दर से होगी, अर्थात अभिक्रिया किस वेग से संपन्न होने वाली है। जैसे ऊष्मा गति की क्या कहती है कि हीरे का ग्रेफाइट में परिवर्तन होता है, लेकिन वास्तव में यह अभिक्रिया लाखों साल में पूर्ण होती है। इस अभिक्रिया को होने में बहुत अधिक समय लगता है। अभिक्रिया में लगने वाला समय रासायनिक बल गतिकी के द्वारा बताया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया का वेग या रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या होती है? कुछ अभिक्रियाएं, जैसे कि हम लोग जानते हैं, बहुत तीव्र गति से होती हैं, कुछ मध्यम गति से होती हैं, कुछ की स्पीड लगभग सामान्य सी रहती है। जैसे आयनिक अभिक्रियाएं बहुत तीव्र गति से होती है। जब हम सिल्वर नाइट्रेट तथा सोडियम क्लोराइड के मिश्रण को मिलाते हैं तो तुरंत ही हमें सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप प्राप्त हो जाता है। यह अभिक्रिया बहुत अधिक तीव्र गति से होने वाली होती है। दूसरी ओर कुछ अभिक्रियाएं बहुत ही धीमी गति से होती हैं, जैसे हवा और नमी की उपस्थिति में लोहे पर जंग लगना। कुछ अभिक्रियाएं मध्यम गति से होती हैं, जैसे शर्करा का प्रतिलोमन, स्टार्च का जल अपघटन। एक अभिक्रिया की गति या दर को इकाई समय में क्रियाकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसे हम किस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं? अभिकारकों की सांद्रता में कमी के दर के रूप में या उत्पादों की सांद्रता में वृद्धि की दर के रूप में। माना कि हमारे पास कोई एक सामान्य अभिक्रिया संपन्न हो रही है। अभिक्रिया क्या है? हमारे पास R परिवर्तित हो रहा है किसमें? P में। R का मतलब है क्रियाकारक, P का मतलब है उत्पाद, यानी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि यदि समय तथा सांद्रता के बीच में ग्राफ बनाया जाए तो क्रियाकारक तथा उत्पादों के लिए हमें निम्न प्रकार का ग्राफ प्राप्त होता है। जब समय हमारा शून्य होता है, शून्य समय पर क्रियाकारकों की सांद्रता सर्वाधिक होती है तथा उत्पादों की सांद्रता निम्न होती है। जैसे जैसे अभिक्रिया हमारी आगे बढ़ती है, क्रियाकारकों की सांद्रता में कमी आने लगती है तथा उत्पादों की सांद्रता में वृद्धि होने लगती है। इस अभिक्रिया के लिए जिसमें R P में परिवर्तित हो रहा है, माना कि जब हमारे पास प्रारंभिक समय है उस समय को हमने T1 मान लिया, उस समय क्रियाकारक की सांद्रता R1 है तथा उत्पाद की सांद्रता P1 है। कुछ समय पश्चात, अर्थात समय T2 पर क्रियाकारक की सांद्रता R2 तथा उत्पाद की सांद्रता P2 है। इस पूरी अभिक्रिया में समय अंतराल कितना है? समय अंतराल कैसे निकालेंगे? अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय, T2 माइनस T1। इसी प्रकार क्रियाकारक की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन, अंतिम सांद्रता माइनस प्रारंभिक सांद्रता। उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन, अंतिम सांद्रता माइनस प्रारंभिक सांद्रता। अभिक्रिया वेग की गणना करने के लिए हम निम्न सूत्र का उपयोग करते हैं। अभिक्रिया वेग क्या होता है? सांद्रता में परिवर्तन तथा परिवर्तन में लगने वाला
समय, हम इसे इस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं। कैसे लिखेंगे? डेल सी डिवाइडेड बाय डेल टी। डेल का मतलब होता है अंतर, कितना अंतर है सांद्रता में आया है, कितने समय अंतराल में आया है। हमें पता है कि हमारे क्रियाकारकों की सांद्रता घटती है, सांद्रता घटती है इसलिए हम यहाँ पर ऋण चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जिससे हमें अभिक्रिया का वेग धनात्मक प्राप्त हो। आर के लिए समीकरण क्या बनेगा? माइनस डेल आर बाय डेल टी। पी में वृद्धि होती है, पी का अर्थ है उत्पाद, उत्पादों की सांद्रता में वृद्धि होती है, इसलिए समीकरण क्या बनेगा हमारे पास में? डेल पी बाय डेल टी। माना कि कोई सामान्य अभिक्रिया इस प्रकार संपन्न हो रही है, मरकरी क्लोरीन से क्रिया करके मरकरी क्लोराइड में परिवर्तित हो रहा है। इस अभिक्रिया का वेग अगर हमें लिखना हो तो किस प्रकार से लिख सकते हैं? माइनस मरकरी की सांद्रता में परिवर्तन तथा लगने वाला समय, या फिर किससे दे सकते हैं? माइनस क्लोरीन की सांद्रता में परिवर्तन तथा लगने वाला समय, या फिर उत्पाद के रूप में लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं? उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन तथा लगने वाला समय। यदि कोई इस प्रकार की जटिल अभिक्रिया हमारे सामने हो तो उस अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया वेग किस प्रकार से लिखा जा सकता है? यहाँ देखिए, ब्रोमाइड आयन के हमारे पास में कितने मोल हैं? 5 मोल हैं। यदि हमें इसकी सहायता से अभिक्रिया वेग निकालना हो तो हमें इसको 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। अतः अभिक्रिया वेग कैसे निकालेंगे? माइनस 1/5 इंटू ब्रोमाइड आयन की सांद्रता में परिवर्तन तथा परिवर्तन में लगने वाला समय। यदि क्रियाकारकों की सांद्रता की बात करेंगे तो हमें हमेशा ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग करना है। यदि उत्पादों की सांद्रता की बात करेंगे तो वहाँ पर हमें धनात्मक चिन्ह की आवश्यकता होती है, इसलिए क्यों? क्योंकि उत्पादों की सांद्रता समय के साथ बढ़ती है, जबकि क्रियाकारकों की सांद्रता समय के साथ घटती है। अभिक्रिया वेग बहुत प्रकार के होते हैं। सामान्यतः अभिक्रिया वेग को हम एक औसत वेग के रूप में प्रदर्शित करते हैं, जिसे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन भी कहा जाता है। औसत दर सांद्रता में परिवर्तन पर निर्भर करती है, कि समय अंतराल में सांद्रता कितनी परिवर्तन हो रही है उस पर हमारी औसत वेग निर्भर करता है। अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता और उस परिवर्तन को होने में लगने वाले समय के अनुसार हम औसत वेग की गणना कर लेते हैं। किसी भी अभिक्रिया का औसत वेग इन सूत्रों की सहायता से निकाला जा सकता है। जैसे हमें पता है रिएक्टेंट हमारा होता है, क्रियाकारक है, उसकी सांद्रता में कमी आती है, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा? माइनस डेल आर बाय डेल टी। पी की सांद्रता में वृद्धि होती है उत्पाद की सांद्रता में, फार्मूला क्या बनेगा हमारे पास? प्लस डेल पी बाय डेल टी। तात्कालिक वेग या इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, किसी भी क्षण अभिक्रिया के वेग को तात्कालिक वेग कहा जाता है। इसे हम सरल परिभाषा में इस प्रकार भी समझ सकते हैं, जैसे हमारे कार, बस, जीप, इनमें एक मीटर लगा होता है जो हमें उस समय हमारा वाहन किस वेग से चल रहा है वो हमें बताता है। मीटर जो हमें स्पीड बताता है उसे हम तात्कालिक वेग कहते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं, वो हमारे तत्काल उस क्षण के वेग के बारे में बता रहा है। इसी प्रकार हम किसी रासायनिक अभिक्रिया का किसी भी क्षण वेग निकाल सकते हैं। इस वेग को निकालने के लिए हमें क्या मानना पड़ता है कि हमारा डेल टी यानी समय में जो अंतराल है वो बहुत कम है। जब समय में अंतराल बहुत छोटा हो, मीन क्या हो गया? डेल टी टेंस टू जीरो, डेल टी टेंस टू जीरो, समय अंतराल बहुत कम है, सूक्ष्म समय अंतराल के लिए निकाल रहे हैं, तो हमारे पास सांद्रता में होने वाला परिवर्तन भी कैसा होता है? बहुत ही सूक्ष्म होता है। इसलिए आर इंस्टेंटेनियस को हम कैसे लिख सकते हैं? माइनस डी आर बाय डी टी। यदि उत्पाद के लिए निकालना हो तो समीकरण कैसे लिखेंगे? डी पी बाय डी टी। यहाँ हमने धन चिन्ह का प्रयोग किया हुआ है क्योंकि उत्पादों की सांद्रता बढ़ती है। यदि हम समय तथा अभिकारकों की सांद्रता तथा उत्पादों की सांद्रता के मध्य ग्राफ बनाएं तो वह ग्राफ हमें इस प्रकार का प्राप्त होता है। ये दोनों ग्राफ हमें क्या बता रहे हैं कि क्रियाकारकों की सांद्रता समय के साथ कम हो रही है, जबकि उत्पादों की सांद्रता समय के साथ बढ़ रही है। हम किसी की भी सहायता से अभिक्रिया का वेग निकाल सकते हैं।
जैसे अगर क्रियाकारक से निकालना हो तो हमें क्या करना है, हमें दो टाइम लेने हैं। जैसे हमने यहाँ लिया है टाइम टी वन है तथा टाइम टी टू है। समय टी वन पर अभिकारक की सांद्रता देखते हैं आर वन है तथा समय टी टू पर अभिकारक की सांद्रता आर टू है। इस समय अंतराल को हम कहते हैं डेल टी, तथा ये वाला अंतराल अभिकारक की सांद्रता का अंतराल ये क्या है, डेल आर। तो डेल आर बाई डेल टी से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। यदि किसी क्षण हमें निकालना हो, मान लिया इस समय टी पर हमें निकालना हो, तो हम कैसे निकालेंगे, ये टी पॉइंट पर जहाँ ये ग्राफ पर एक स्पर्श रेखा बनाते हैं, इस स्पर्श रेखा का ढाल निकाला जाता है। इस स्पर्श रेखा का ढाल क्या होता है, डी टी तथा डी आर। धारा डी आर बाई डी टी करेंगे हमें स्पर्श रेखा का ढाल प्राप्त हो जाएगा। वह स्पर्श रेखा का ढाल ही हमें बताता है कि अभिक्रिया का तात्कालिक वेग क्या है। इसी प्रकार हम उत्पादों की सहायता से अभिक्रिया का तात्कालिक वेग तथा औसत वेग दोनों की गणना आसानी से कर सकते हैं। यदि हमारी अभिक्रिया गैसीय माध्यम में हो तो वहाँ हम सांद्रता में परिवर्तन किस प्रकार कर सकते हैं। सामान्यतः गैसीय माध्यम के लिए सांद्रता के स्थान पर हम गैसों के आंशिक दाब को प्रयोग में लाते हैं। आंशिक दाब में परिवर्तन की दर के रूप में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को आसानी से व्यक्त किया जा सकता है। आइए कुछ उदाहरणों की सहायता से हम अभिक्रिया वेग को और अधिक समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है ब्यूटिल क्लोराइड की विभिन्न समय पर दी गई सांद्रताओं से अभिक्रिया के लिए विभिन्न समय अंतरालों में औसत वेग की गणना कीजिए। सवाल हमारे पास आ गया है, ब्यूटिल क्लोराइड की सांद्रता दी गई है तथा हमें अलग अलग समय दिया गया है। उस समय पर उसकी क्या सांद्रता है, उसका मान हमें इस नीचे सारणी में दे दिया गया है। जैसे 0 सेकंड पर कितना मान दिया गया है, 0.1। इसी प्रकार 800 सेकंड पर कितना मान दिया गया है, 0.017 हमें सांद्रता दी गई है। समय अंतराल क्या है हमारे पास, देखिए 0 से 50 जाएंगे 50 सेकंड का अंतर है, 50 से 100 पर जा रहे हैं फिर 50 सेकंड का अंतर है, 100 से 150 पर जा रहे हैं 50 सेकंड का अंतर है, ये हमारे पास समय अंतराल में अंतर है। इसी प्रकार क्या है हमारे पास में, सांद्रताओं में अंतर कितना आ रहा है, तो जब एक समय से दूसरे समय पर जाएंगे तो वह सांद्रता में परिवर्तन को दर्शाता है। दिए गए डाटा को हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं, हमारे पास समय है तथा सांद्रता है। अब हम एक ग्राफ बनाते हैं जो किसके मध्य में है, सांद्रता तथा समय के मध्य ग्राफ है। ये ग्राफ हमें दिखा रहा है कि क्रियाकारक की सांद्रता समय के साथ कम होती चली जा रही है। दिए गए आंकड़ों की सहायता से समय अंतराल डेल टी तथा सांद्रता में होने वाले परिवर्तन डेल आर की गणना करते हैं। इन दोनों की सहायता से हम अभिक्रिया का औसत वेग निकाल लेते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन भाग में समय अंतराल। तो हमें ये अलग अलग समय अंतराल पर अभिक्रिया वेग प्राप्त हो जाता है। अब हम अभिक्रिया वेग तथा समय के मध्य ग्राफ बनाते हैं। अभिक्रिया वेग तथा समय के मध्य जब ग्राफ बनाया जाता है तो हम देखते हैं कि हमारा अभिक्रिया का वेग समय के साथ साथ धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है, क्योंकि अभिकारकों की सांद्रता कम होती जा रही है। मान लिया कि हमें टी इक्वल्स टू 600 सेकंड पर अभिक्रिया का ताक्षणिक वेग निकालना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, टी इक्वल्स टू 600 सेकंड वाले पॉइंट पर एक स्पर्श रेखा खींचते हैं। इस स्पर्श रेखा का ढाल ही हमें ताक्षणिक वेग बताता है। इसका ढाल हम कैसे निकालेंगे, स्पर्श रेखा हमने बनाई, हमने देखा कि इस स्पर्श रेखा का ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट मिलके एक हमारे पास एक त्रिभुज की जैसी आकृति बना रहे हैं। इस त्रिभुज का जो आधार है ये समय अंतराल को हमें बता देगा डी टी। इस त्रिभुज का जो हमारे पास ये लंब बना हुआ है ये हमें क्या बताएगा, डेल आर के बारे में। डेल आर सूक्ष्म समय अंतराल है इसलिए हम उसे क्या बोलेंगे, डी टी। तो इस त्रिभुज के सहायता से, जो स्पर्श रेखा की सहायता से हमने बनाए हैं, उससे हमें डी टी तथा डी आर की गणना आसानी से कर लेते हैं। स्पर्श रेखा का ढाल ताक्षणिक वेग का मान देता है, इसलिए
आर इंस्टेंटेनियस हमारे पास कितना आएगा, 5.12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड हमारे पास उत्तर आ जाता है। इसी प्रकार से हम अलग अलग समय पर किसी भी अभिक्रिया का या इस अभिक्रिया का ताक्षणिक वेग निकाल सकते हैं। आइए एक उदाहरण और करके देखते हैं। 318 केल्विन पर N2O5 के अपघटन की अभिक्रिया का अध्ययन CCl4 विलयन में N2O5 की सांद्रता के मापन द्वारा किया गया। प्रारंभ में N2O5 की सांद्रता कितनी है, 2.33 मोल प्रति लीटर थी, जो 184 मिनट के बाद घटकर कितनी रह गई है, 2.08 रह गई है। अभिक्रिया के लिए हमें संतुलित समीकरण दिया गया है, साथ के साथ क्या पूछा जा रहा है, इस अभिक्रिया के लिए औसत वेग की गणना कीजिए, किसमें करनी है, घंटों में, मिनटों में तथा सेकंडों में कीजिए। इस समय अंतराल में NO2 के उत्पादन की दर क्या है, साथ में ये सवाल भी पूछा गया है। जब हम इसका हल करते हैं तो हमें पता है औसत वेग निकालने का समीकरण क्या होगा, हमारे पास में 1/2। 1/2 हमने क्यों किया है, क्योंकि संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में हमारे पास में N2O5 के 2 मोल हैं, इसलिए माइनस डेल N2O5 की सांद्रता डिवाइडेड बाय समय अंतराल। समय अंतराल हमें दे दिया गया है 184 मिनट। जब हम इसकी गणना करते हैं तो हमें ये मान प्राप्त हो जाता है 6.79 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मोल प्रति लीटर प्रति मिनट। अब इसी को हम घंटे तथा सेकंड में परिवर्तित कर लेते हैं गुणांकों से गुणा करके। हम जानते हैं कि एक घंटे में हमारे पास 60 मिनट होती हैं तथा एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। क्वेश्चन के लास्ट में पूछा गया था कि NO2 के बनने की दर क्या है। NO2 के बनने की दर हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं, हमें पता है कि अभिक्रिया का वेग NO2 के संदर्भ में किस प्रकार से लिख सकते हैं हम लोग, 1/4 NO2 की सांद्रता में परिवर्तन तथा समय अंतराल। अतः हमें सिर्फ बनने की दर निकालनी है कि किस स्पीड से वो बन रहा है, ना कि हमें अभिक्रिया का वेग निकालना है उसकी सहायता से। तो अभिक्रिया वेग जो हमने अभी निर्धारित कर लिया है उसका मान हम यहाँ रखेंगे, उसे 4 से गुणा कर देंगे। 4 से गुणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि NO2 के हमारे पास में 4 मोल प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से हमें NO2 के बनने की दर प्राप्त हो जाएगी, जिसका मान कितना आ रहा है हमारे पास, 2.72 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मोल प्रति लीटर प्रति मिनट। अभी तक इस पाठ में हमने चर्चा की कि अभिक्रिया का वेग क्या होता है। अभिक्रिया वेग के दौरान हमने देखा कि अभिकारकों की सांद्रता में कमी आती है तथा उत्पादों की सांद्रता में वृद्धि होती है। अभिक्रिया वेग हमने चर्चा की कि दो प्रकार के होते हैं, जिन्हें हम औसत अभिक्रिया वेग तथा ताक्षणिक अभिक्रिया वेग के नाम से भी जानते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए आसानी से हम लोग अभिक्रिया वेग कैसे निकाल सकते हैं, ये अभी हमने उदाहरणों द्वारा समझ के देखा था। साथ के साथ हमने ग्राफ बनाकर भी समझा कि सांद्रता में परिवर्तन समय के साथ किस प्रकार हो रहा है। रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। सामान्यतः अभिक्रिया वेग निम्न कारकों से प्रभावित होती है। प्रथम कारक है अभिकारक की प्रकृति। यदि अभिकारक हमारे आयनिक प्रकृति के हैं तो अभिक्रिया बहुत तेज गति से होती है, जबकि सहसंयोजक पदार्थों में अभिक्रियाएं सामान्यतः धीमी गति से होती हैं। दूसरा कारक है अभिकारकों की सांद्रता। अभिकारकों की सांद्रता अधिक होने पर अभिक्रिया का वेग बहुत अधिक होता है। यदि अभिकारकों की सांद्रता कम होती है तो अभिक्रिया का वेग भी कम हो जाता है। इस प्रकार अभिक्रिया का वेग तथा अभिकारकों की सांद्रता में सीधा संबंध होता है। इस संबंध को जिस समीकरण के द्वारा निरूपित किया जाता है उसे हम वेग समीकरण या वेग व्यंजक भी कहते हैं। तीसरा कारक हमारे पास है तापमान। सामान्यतः तापमान में वृद्धि के साथ अभिक्रिया की दर बढ़ती है। यदि अभिक्रिया में हमारे पास उत्प्रेरक उपस्थित हो तो वह भी अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है। इसी प्रकार यदि अभिकारकों की सतह का क्षेत्रफल बढ़ा दें तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। यह हम किस प्रकार कर सकते हैं, अभिकारकों को चूर्णित रूप में काम में लेकर के, अर्थात उन्हें पाउडर की तरह पीस करके काम में ले सकते हैं
उससे उनके सतह का क्षेत्रफल अत्यधिक बढ़ जाता है। विकिरण जैसे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भी अभिक्रिया का वेग सामान्यतः बढ़ता है। वेग नियम और वेग स्थिरांक क्या होते हैं? वह व्यंजक जो अभिक्रिया की दर को अभिकारकों की सांद्रता से संबंधित करता है उसे वेग नियम कहते हैं, या इसे वेग समीकरण या वेग व्यंजक भी कह सकते हैं। क्या हुआ, किसके साथ संबंध करेगा? सांद्रता का अभिक्रिया के वेग के साथ। मान लिया कि एक सामान्य रासायनिक अभिक्रिया हमारे सामने इस प्रकार से संपन्न हो रही है। ए और बी क्रिया करके क्या बनाते हैं? सी तथा डी बनाते हैं। इसमें हमारे पास जो छोटे अक्षरों में ए बी सी तथा डी लिखे गए हैं, ये क्या है? स्टोइकोमेट्री गुणांक है इस अभिक्रिया के। इस अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण को इस प्रकार से लिखा जा सकता है, अभिक्रिया का वेग समानुपाती होगा किसके? अभिकारकों की सांद्रता के। अब यहाँ देखिए, हमने कुछ घात लगाई है एक्स और वाई। यह घातांक एक्स और वाई अभिकारकों के स्टोइकोमेट्रिक गुणांकों के बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। जब ये समानुपाती का निशान हम यहाँ से हटाते हैं तो हमारे पास एक स्थिरांक आता है के, जिसे वेग स्थिरांक या विशिष्ट अभिक्रिया वेग कहा जाता है। अभिक्रिया वेग को हम इस प्रकार से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। किस फॉर्म में कर दिया हमने? ये अवकलन समीकरण के रूप में अभिक्रिया वेग को लिखा गया है। कैसे लिखेंगे? माइनस डी आर बाई डी टी किसके इक्वल होगा? के ए टू द पावर एक्स एंड बी टू द पावर वाई। समीकरण के इस रूप को हम क्या बोलते हैं? अवकलन समीकरण। के क्या है? आनुपातिक स्थिरांक है, जिसे वेग स्थिरांक या विशिष्ट अभिक्रिया वेग भी कहा जाता है। इस प्रकार वेग नियम एक प्रकार की अभिव्यक्ति है, जिसमें हम क्या करते हैं? अभिकारकों की सांद्रता पे कोई घात लगा करके अभिक्रिया के वेग को प्रदर्शित किया जाता है। किसी भी अभिक्रिया का वेग नियम सैद्धांतिक रूप से निर्धारित नहीं कर सकते हैं, इसे सिर्फ प्रैक्टिकल के द्वारा ही मालूम किया जाता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को देखकर हम उसके लिए वेग नियम नहीं दे सकते हैं। वेग नियम लिखने के लिए हमें उस अभिक्रिया के साथ कुछ प्रयोग करने होते हैं, उसी के आधार पर उस अभिक्रिया विशेष के लिए वेग नियम का निर्धारण किया जा सकता है। वेग स्थिरांक, अब हम देखते हैं कि वेग स्थिरांक की गणना किस प्रकार कर सकते हैं। ये एक सामान्य अभिक्रिया है हमारे पास में। इस अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण क्या है? के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई। के क्या है? वेग स्थिरांक। यदि हमारे पास ए और बी दोनों की सांद्रता को हम इकाई मान लें, अर्थात एक मोल प्रति लीटर हो, तो उस स्थिति में क्या होगा? हमारे पास अभिक्रिया का वेग किसके बराबर होगा? के अर्थात वेग स्थिरांक के। हम क्या कह सकते हैं इस स्थिति में? रासायनिक अभिक्रिया के वेग स्थिरांक को अभिक्रिया दर के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। कब? जब प्रत्येक अभिकारक की सांद्रता कैसी हो? इकाई हो। अर्थात इकाई सांद्रता पर रासायनिक अभिक्रिया का वेग उसके वेग स्थिरांक के बराबर होता है। या किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक वह अभिक्रिया वेग है जब अभिकारकों की सांद्रता इकाई होती है। इसका अर्थ है कि उनकी सांद्रता एक मोल प्रति लीटर है। दिए गए तापमान पर किसी विशेष अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान निश्चित होता है। ताप में परिवर्तन से ही वेग स्थिरांक का मान परिवर्तित होता है। वेग स्थिरांक का मान अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, यह केवल तापमान और उत्प्रेरक की उपस्थिति पर ही निर्भर करता है। अभिक्रिया की कोटि, जिसे हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कैसे निकाल सकते हैं? वेग नियम व्यंजक में अभिकारकों की सांद्रता की घातांकों का योग उस रासायनिक अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। जैसे हमारे पास क्या है? वेग समीकरण है। इस वेग समीकरण में क्या लिखा हुआ है? के ए की पावर एक्स तथा बी की पावर वाई। जो सांद्रता के पद हैं हमारे ए और बी, इनके ऊपर हम लोगों ने घातांक लगा रखी है एक्स तथा वाई। एक्स तथा वाई क्या है? एक्स है ए के संदर्भ में अभिक्रिया की कोटि तथा वाई क्या है हमारे पास? बी के संदर्भ में अभिक्रिया की कोटि। संपूर्ण अभिक्रिया की कोटि क्या होगी?
हम लोग x तथा y दोनों का योग करेंगे, जो हमें बताती है कि संपूर्ण अभिक्रिया की कोटि कितनी होती है, अर्थात सांद्रता की घातांकों का योग। किसी रासायनिक अभिक्रिया की कोटि शून्य, एक, दो, तीन या भिन्नात्मक जैसे 0.5, 0.33, 2.6 ये भी हो सकती है। शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्थ क्या होता है? अभिक्रिया का वेग किसी भी अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रहा है। आइए कुछ उदाहरणों की सहायता से हम अभिक्रिया की कोटि निकालने का प्रयास करते हैं। उन अभिक्रियाओं की कुल कोटि की गणना कीजिए जिनका वेग व्यंजक निम्न है। देखिए हमें दो अभिक्रियाएं का वेग व्यंजक दिया गया है। पहले में हमारे पास क्या है, इस अभिक्रिया के लिए कोटि कितना लिखा हुआ है? हमारे पास ए के संदर्भ में है 1/2 तथा बी के संदर्भ में 3/2। इन दोनों का योग करेंगे, उत्तर हमें प्राप्त होगा। इसी तरह से दूसरी अभिक्रिया है हमारे पास में, वहाँ पर घातांक क्या लिखा हुआ है? 3/2 तथा दूसरे का घातांक लिखा हुआ है -1। पहले हम लोग नंबर 1 की कोटि निकालते हैं तो उस अभिक्रिया की कोटि हमें प्राप्त होती है 2, अर्थात ये अभिक्रिया द्वितीय कोटि की है। इसी प्रकार से दूसरी अभिक्रिया की जब कोटि निकालेंगे तो वह हमें प्राप्त होती है 0.5, 1/2। हमें घातांकों का हमेशा बीजगणितीय योग करना है। तो करने पर क्या हुआ, 3/2 -1 करेंगे क्या आ गया हमारे पास 1/2, यानी ये कोटि कैसी है, अर्ध कोटि की अभिक्रिया है। अभिक्रिया की कोटि और वेग स्थिरांक की इकाइयाँ, हम देखते हैं कि वेग स्थिरांक की इकाई कैसे निकाल सकते हैं। मान लिया कोई अभिक्रिया है उसकी कोटि n है, ऐसी अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण क्या होगा, k a की पावर n। अब इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, k का मान निकालेंगे। k कैसे आएगा हमारे पास में, वेग भाग में सांद्रता की घात n। वेग हमारे पास क्या होता है, सांद्रता में परिवर्तन तथा उस परिवर्तन में लगने वाला समय, अर्थात सांद्रता भाग में समय। गुणा में हमने क्या किया हुआ है, 1/ सांद्रता उसकी घात n की हुई है। क्यों की हुई है, क्योंकि हमारी अभिक्रिया कौन सी कोटि है, nवी कोटि की अभिक्रिया है। जब हम इसे सरल करते हैं तो हमें k की निम्न इकाइयाँ प्राप्त होती हैं। क्या इकाई है हमारे पास में, मोल 1-n, लीटर n-1, समय -1, यह वेग स्थिरांक की इकाइयाँ हैं। अब आसानी से हम किसी भी कोटि अभिक्रिया के लिए उसके वेग स्थिरांक को बता सकते हैं। यह उदाहरण है, देखिए यहाँ हमारे पास अभिक्रिया की कोटि जैसे शून्य कोटि की अभिक्रिया है तो उसके लिए वेग स्थिरांक क्या होगा, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। यदि प्रथम कोटि की अभिक्रिया है तो उसके लिए वेग स्थिरांक क्या होगा, सिर्फ सेकंड इनवर्स। अगर द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है तो उसके लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या आएगी, मोल इनवर्स इंटू लीटर इंटू सेकेंड इनवर्स। आइए इस उदाहरण के द्वारा हम अभिक्रिया की कोटि की पहचान करते हैं। वेग स्थिरांक की हमें इकाई को देखना है। यहाँ देखिए हमारे सामने वेग स्थिरांक की इकाई क्या दी है, पहले उदाहरण में लीटर इंटू मोल इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स। इस अभिक्रिया की कोटि हमें क्या प्राप्त होती है, अर्थात यह द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है या प्रथम कोटि की है या शून्य कोटि की है। जबकि उदाहरण दो में देखिए हमें क्या दिया हुआ है, सिर्फ समय इनवर्स है, सेकंड इनवर्स दिया हुआ है। अब ये उदाहरण आपको स्वयं हल करके देखने हैं कि इनकी कोटि कौन सी होती है। अभिक्रिया की आणविकता, मॉलिक्युलरिटी ऑफ ए रिएक्शन, अर्थात किसी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में कितने अणु भाग ले रहे हैं उसे अभिक्रिया की आणविकता कहा जाता है। जैसे इस अभिक्रिया में सिर्फ एक ही क्रियाकारक का अणु है, अतः इसकी आणविकता एक होती है। इस अभिक्रिया में क्रियाकारक के अणु कितने हैं, दो, और एक इसका हो गया 3, तो इसकी आणविकता हमारे पास में कितनी हो जाती है, 3 आणविकता। कुछ जटिल अभिक्रियाएं भी होती हैं जिनमें बहुत सारे अणु हमारे सामने भाग ले रहे होते हैं। अब इस अभिक्रिया को जब हम देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि इसकी आणविकता कितनी होगी, एक अणु इसका है, 6 इसका है, 3 इसका है, कुल मिला के कितना हो गया, 10। इस अभिक्रिया की आणविकता कैसी हो गई, 10। लेकिन 3 से अधिक आणविकता होना संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है, क्योंकि
तीन अणु ही परस्पर टकराते हैं तो एक ऐसी टक्कर होती है जिसमें उत्पाद का निर्माण हो सके। यदि अणुओं की संख्या तीन से अधिक हो जाती है तो प्रभावी टक्कर होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। अर्थात यदि किसी अभिक्रिया की आणविकता बहुत अधिक है, इसका अर्थ यह हुआ कि वह बहुत सारे पदों में पूर्ण हो रही है, उस अभिक्रिया में बहुत सारे पद समाहित होते हैं। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में बहुत अधिक पद उपस्थित होते हैं तो अभिक्रिया वेग का निर्धारण उस पद की सहायता से किया जाता है जिसका वेग सबसे कम होता है। उस पद को वेग निर्धारक पद कहा जाता है। जैसे यह हमारे सामने एक एग्जाम्पल है, इसमें H2O2 का I- के साथ में अभिक्रिया लिखी है, H2O बना है तथा O2 बना है। इस अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण ये होता है। वेग समीकरण में क्या लिखा है हमने, सांद्रता में कमी तथा लगने वाला समय किसके बराबर है, के गुणा में H2O2 आई माइनस। अर्थात देखिए इसकी आणविकता जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है अभिक्रिया में दो अणु H2O2 के हैं तथा एक अणु हमारे पास आई माइनस आयन उपस्थित है। आणविकता तो इसकी तीन है पर वास्तव में रासायनिक अभिक्रिया में सिर्फ दो ही अणु भाग ले रहे हैं। अभिक्रिया वेग का जब हम निर्धारण करते हैं तो इस अभिक्रिया की कोटि कौन सी है, ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है क्योंकि इनके घातांक सांद्रता के घातांक दोनों की घात कितनी है, एक एक, एक और एक को जोड़ते हैं तो हमें दो प्राप्त होता है, अतः द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। अभिक्रिया द्वितीय कोटि की है तथा इसकी आणविकता तीन है, अर्थात ये अभिक्रिया एक से अधिक पद में पूर्ण हो रही है। यह अभिक्रिया इस प्रकार से पूर्ण हो रही है, देखिए दो पद है हमारे पास, पहला पद तथा दूसरा पद। ये पहला पद मंद गति से होने वाला पद होता है, अतः यह अभिक्रिया का वेग निर्धारक पद होता है। इस वेग निर्धारक पद की आणविकता तथा कोटि समान होती है। देखिए इस अभिक्रिया की कोटि दो है तथा आणविकता भी दो है। अभी तक जो हमने चर्चा की उसके अनुसार हमारे पास यह निष्कर्ष निकलता है कि अभिक्रिया की कोटि एक प्रायोगिक मात्रा है जिसे हम अभिक्रिया को देखने मात्र से नहीं बता सकते हैं। अभिक्रिया की कोटि शून्य या भिन्नात्मक भी हो सकती है परंतु आणविकता शून्य या भिन्नात्मक कभी नहीं हो सकती है। अभिक्रिया की कोटि प्राथमिक एवं जटिल दोनों प्रकार की अभिक्रियाओं पर लागू होती है जबकि अभिक्रिया की आणविकता केवल प्राथमिक अभिक्रियाओं के लिए ही परिभाषित कर सकते हैं, जैसे सरल अभिक्रियाएं उनके लिए ही इसको परिभाषित किया जा सकता है। सबसे मंद पद की आणविकता तथा कोटि समान होती है। आज इस भाग में हमने चर्चा की कि रासायनिक अभिक्रियाओं में क्रियाकारकों तथा उत्पादों की सांद्रता में समय के साथ किस प्रकार से परिवर्तन होता है। रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग जैसे औसत वेग तथा ताक्षणिक वेग को हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं अभिकारकों के संदर्भ में तथा उत्पादों के संदर्भ में। हमने देखा कि रासायनिक अभिक्रिया की कोटि क्या होती है। हमने ये जाना कि रासायनिक अभिक्रिया की कोटि एक प्रायोगिक मात्रा है जिसे हम किसी रासायनिक अभिक्रिया को देख करके ज्ञात नहीं कर सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता कैसे निकाली जाती है, इस पाठ के शेष बिंदुओं की चर्चा हम अगले भाग में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।